नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पे। देखिए, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है घटना चक्र का, जीएस पॉइंटर के, जो आपके यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी जो लोअर करा रहा है इस बार, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी पता होगा। और ये चौथा लेक्चर है इसमें, तो जिसने पुराने नहीं देखे हैं वो देख लें जाके, बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध होंगे जो 2019 पीसीएस देना चाहते हैं और लोअर देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मुद्रा बैंकिंग पे हमने छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे रेड बटन को दबा के। तो देखिए, मुद्रा एवं बैंकिंग से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर में। भारत का औद्योगिक वित्त निगम कार्य करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें आपको मैच करना था, तो ये 1 2 3 1 2 4 3 है इसका आंसर, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं इसके। तो ये भी यहाँ पे आपको कब स्थापना हुई है उसके क्रम बताने हैं। तो IFCI, ये भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक, वित्त निगम, इसकी सबसे पहले हुई थी। इसके बाद आपकी ये ICICI बैंक की हुई थी, उसके बाद IDBI बैंक की हुई है, उसके बाद नाबार्ड की हुई है। ठीक है ना, तो ये स्थापना का क्रम याद रखिएगा और कब हुआ ये भी ज़रूरी है। तो देखिए, IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी, और वहीं भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम यानी ICICI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। वहीं आपकी IDBI की स्थापना 1964 में हुई है, और एग्जिम बैंक यानी भारतीय निर्यात एवं निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में हुई है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1990 में हुई थी। मार्चांत 2017 में भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी? तो 2104 थी, ये पुराना आंकड़ा है, अब ये बढ़ गई होगी, है ना। तो आप डेटा इसको सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कंपनी अंश यानी शेयर पर मर्यादित होने का अर्थ है यानी धारकों का उत्तरदायित्व तो सीमित होना। भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी, 1993 में। सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय गृहस्थों के पास जो भी सोना पड़ा है यानी निष्क्रिय सोना, उसे अर्थव्यवस्था में लेके आना और स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, ये उसका उद्देश्य था। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग कौन सा नहीं है? तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि इसका अंग नहीं है। वहीं इनमें से सेंसेक्स, BSE, निफ्टी और सेप्स के में से जो एक अप्रासंगिक है वो कौन सा है? सेप्स, बाकी तीनों एक जैसे हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जैसे शॉर्ट में नाबार्ड बोला जाता है, इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी वैसे? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का? तो मुंबई में। वहीं ये देखिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की जो साख होती है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है ये नाबार्ड। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है किसको? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदान करता है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, नाबार्ड और ये बैंकों के नाम दिए, इनमें से पूछा है कौन सा कार्यान्वित नहीं करता है, कौन सा एक समूह है? तो वो नाबार्ड है, इसको पढ़ लीजिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित कौन सा है? तो उपभोग साख एवं निवेश साख। किसानों हित किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई थी? 1998-99 में। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है बजट में KCC का बहुत ज़्यादा इस बार चर्चा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड जो बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है किसको? अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को। नेक्स्ट देखिए, सिडबी की स्थापना की गई थी किस लिए? तो जो लघु स्तरीय उद्योग हैं यानी छोटे उद्योग हैं उनको वित्त प्रदान करने के लिए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। इनमें से देखिए, ये आपके ऑप्शन दिए ABCD, इनमें से पूछा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका कार्य नहीं है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना है, ये वाला इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे है इसमें, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा पैसा कब हो गया था, यानी नया शब्द जो कब हटा दिया गया था? 1 जून 1964 से। भारत में जो दशमलव दशमिक
मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1957 में। डोव जोन्स कहाँ से थे? न्यूयॉर्क से। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। S&P 500 किससे संबंधित है? तो बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से संबंधित है ये। जापान का निक्की होता है और सिंगापुर का STI, वहीं ये सेंसेक्स वगैरह हैं। यूके का FTSI, यूएसए का यानी नॉसडॉक यूएसए का है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, देन IDBI, ये सारे ही हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रवर्तक। निक्की क्या है? तो निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। इस निक्की याद रखना जापान का है। संवेदी सूचक यानी सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव क्या कहलाता है? ये सेंसेक्स में चढ़ाव। इनमें से पूछा है, ये पुराना हो चुका है, इसको देख लीजिएगा। BSE ग्रीनेक्स में कंपनियां कितनी शामिल हैं? तो 25। अब तो और चेंज हो गई होंगी इसमें, तो ये भी पुराना डेटा है। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार कौन सा है? तो वो राष्ट्रीय शेयर बाजार है। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है? तो विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह और विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावचन तथा मौद्रिक नीति के परिवर्तन आदि हैं इसके। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य अंग क्या है? तो कीमतें भारत में आयोग द्वारा विनियमित होता है। तो जिन्स फ्यूचर्स व्यापार होता है विनियमित यानी रेगुलेट। अब इसमें कथन कारण दिए, दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कथन है सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, तो सही है। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, ये भी सही है लेकिन इसके व्याख्या सही नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा स्फीति के कारण क्या है? तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाना और मुद्रा का मूल्य कम हो जाना यानी मुद्रा का मूल्य गिर जाना। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है? ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। इसमें से पूछा है कि इसमें से मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ किसको होता है? तो ऋणी को होता है। इन सब में मुद्रा स्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। भारत में मुद्रा स्फीति दर की माप होती है किस पे? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर इसकी मुद्रा स्फीति की माप होती है। भारत में मुद्रा स्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो थोक मूल्य सूचकांक। फिलिप्स वक्र क्या व्यक्त करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध को। फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? तो मुद्रा स्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है ये। अवस्फीति क्या है? तो यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत में आई सतत गिरावट है ये। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी बेस इफेक्ट यानी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? यह है विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है ये। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? 21। इनमें से पूछा है कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है, तो वो है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है, तो CSO के द्वारा यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में व्यापारी बैंकों की जो देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका होता है? तो सावधि जमाओं का। भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सम्मिलित क्या क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विदेशी आहरण अधिकार यानी SDR शॉर्ट में बोला जाता है इसको, विदेश आहरण अधिकार को। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आगे देखते हैं, आगे इसमें भारतीय व्यावसायिक बैंक जिसने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की थी, तो कौन सा था?
आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कार्यरत, ये तो पुराना है, इसको हटा दीजिए। भारतीय बैंक जिसने चीन में अपनी शाखा सबसे पहले खोली थी वो कौन थी? थी भारतीय स्टेट बैंक की थी। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किसने किया था? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, एसबीआई ने। निजी भारतीय बैंकों में से जिसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली थी ये एक्सिस बैंक थी, ये याद रखना है। ये निजी बैंक थी, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी बैंक थी? तो स्टेट बैंक, और निजी क्षेत्र की एक्सिस बैंक, आपको याद रखना है। दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न कौन कौन से हैं? तो आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई। वह बैंक जो मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करती है वो कौन सी है? सिडबी। शब्द है ये बुल और बियर, किससे जुड़े हैं? शेयर बाजार से। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया शब्द द्योतक है किसका? उस निवेशक का जो महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, उसे मंदड़िया बोला जाता है। ये शब्द है, इनमें से पूछा है कि कौन सा शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है, तो दलाल शेयर बाजार में सटोरिया नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। ये तेजड़िया, मंदड़िया और स्टैग ये सटोरिया हैं। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से है। पूंजी बाजार से आशय क्या है? शेयर बाजार से। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। जिला शाख योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो लीड बैंक के अंतर्गत आती थी। लीड बैंक का कार्य क्या है? इसका कार्य है तो जो नामित बैंक द्वारा किया जाता है, यही है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिले को अपनाए। अग्रणी बैंक जिसे लीड बैंक की योजना बोला जाता है कब प्रारंभ हुई थी? दिसंबर 1969 में। नेक्स्ट है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है वो क्रेडिट कार्ड के लिए। प्लास्टिक मनी कहा जाता है किसको? क्रेडिट कार्ड को। तो ये दोनों ही शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का साख पत्र, एयरटेल मुद्रा में से पूर्व भुगतान, भुगतानिक जो भुगतान उपकरण नहीं है वो कौन सा है? राष्ट्रीयकृत बैंकों का साख पत्र, ये इसका इसमें शामिल नहीं होता है। प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या क्या शामिल है? सीआरआर और एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश तथा ब्याज दर का अविनियमन। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने सुझाव दिया था एसएलआर और सीआरआर को कम करने के लिए। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे रघुराम राजन, अभी इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण मतलब क्या है इसका? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं ग्रामीण परिवारों को। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण यानी जिसे टीजर लोन बोला जाता है आर्थिक चिंता का विषय है। क्यों है? क्योंकि लोक लुभावन ऋण जिन्हें टीजर लोन बोला जाता है वो अधोमुख ऋणों यानी सब प्राइम लैंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं, तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हो। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकदी कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें वृद्धि होती है शाख सृजन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा निर्गम करता है, तो यह स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले में मुद्रा का निर्गमन करता है। ये आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाई एच मालेगांव। ये 2011 में हुई थी बाई एच मालेगांव की समिति की जो गठन हुआ था वो। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचनाओं, संरचना सुधारों से संबंधित है नरसिम्हन समिति का संबंध। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु तो आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जीवी रामकृष्ण। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली थी तो 1993 में। यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही है, क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया है, इसलिए चर्चा में रही थी, अब इसका इंपोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु तो कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अभिजीत सेन को। देखिए ये जो जितनी समितियां होती हैं ये करंट की जो एक साल में रहती हैं हाईलाइट वो पूछी जाती हैं, इसलिए इनको हम दोबारा नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण होगी उसको देख लेंगे। अब बात करते थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार किसको दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को। अब देखिए भारत सरकार द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार बेस क्या है? तो 2011-12 है। ये आपका औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता सूचकांक कीमत सूचकांक जो है वो कौन निकालता है? तो श्रम ब्यूरो निकालता है, आपको याद रखना है। ये इसका आधार वर्ष पूछा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का, तो वो भी 2011-12 है। देखिए ये एक बैंक के बारे में बोला गया है, आरबीआई के संदर्भ में ही है, कथन पूछे हैं इसमें, तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में ये चर्चा करनी है, ये केंद्र सरकार की का बैंकर है, तो ये इसमें से सारे ही कथन आपके सही हैं, ये आप पढ़ लीजिए इसको, सारे कथन इसमें एकदम सही हैं। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी के कारण क्या है? तो द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट तथा प्रभावी मांग में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को नियंत्रित करता है, तो किस विषय पे? तो वो है तरलता विनियमन और विलय एवं अधिग्रहण पर नियंत्रण, साख विस्तार आदि, ये सब कंट्रोल करता है आपका आरबीआई। स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो 1935 में। नेक्स्ट देखिए इनमें से पूछा गया है कि जो एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है वो साख सृजन करना, इसका कार्य नहीं भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट करेंसी का नियमन, इनमें से पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो विदेशी व्यापार का नियमन करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ये आरबीआई के बारे में है। अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा रखते हैं और आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है तथा आरबीआई वाणिज्य बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श भी देता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंकरों का बैंक बोला जाता है रिजर्व बैंक को, और भारत में विदेशी विनियम संचय का रखरखाव भी आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय बैंकों को और बैंक द्वारा निर्मित की जाने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करता है, और सीमांत स्थायी सुविधा दर एवं निवल मांग और सावधि जमाएं यानी देयताएं पद संबंध, ये कभी कभी समाचारों में देखते हैं किससे संबंधित है, बैंक कार्यों के संबंध में, ये आपको पता ही होगा। वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है, तो क्या देता है? सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। और कोर बैंकिंग समाधान, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये आईएएस में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका मतलब बताना है। बैंक की शाखाओं का वह तंत्र जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोला हो। तो आप भी जाते होंगे किसी दूसरे शाखा से पैसे निकालने, तो ये हो जाता है इसकी, इसी के माध्यम से होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से। जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नगदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देता है, तो इसकी संभावना क्या होती है? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, जो ब्याज पे परसेंटेज लेते हैं उसको घटा देते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में सही कथन क्या है? संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है और अर्थव्यवस्था के समाष्टि सभी विवेक पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण ये करता है। इनमें से पूछा है कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तो पीएलआर रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है इसमें बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या बोला जाता है? एसएलआर हिंदी में सांविधिक तरलता अनुपात। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत करता है, भारत में कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? तो सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा बचती है। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, तो जम्मू कश्मीर और सिक्किम सरकार के
बैंकिंग व्यापार का संचालन नहीं करता, ये याद रखना है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, वहीं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसे कहाँ जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में। वाणिज्य बैंकों को में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? एनपीए जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, ऐसे ऋण जिन पर ब्याज तथा मुद्रा रकम की वसूली नहीं होती है। ये देखिए, इनमें से पूछा है कि उपर्युक्त में से आंतरिक ऋण के घटक कौन कौन से हैं, तो ये तीनों ही घटक हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, याद रख लीजिए। जनवरी 2005 में, ये अब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो ये योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके और निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य तथा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाएं तथा कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके किया जाता है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सरलता में बाधक है निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव आदि। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें, देखिए वित्तीय समावेशन पर संस्तुतियां दी गई थी तो रंगराजन समिति के द्वारा। रंगराजन समिति का गठन बैंकिंग सुधार से संबंधित है और ये भारतीय रिजर्व बैंक के भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो नचिकेत मोर समिति ने। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। तो स्वाभिमान योजना, स्वाभिमान नाम का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। कभी कभी समाचारों में बिटकॉइन दिखता है, तो ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन था, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। इसकी ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना किया जा सकता है। ये इनमें से बताना है आपको कि विपणन संस्था कौन सी है, तो सेल, ये सेल है। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इनमें से आपको ऐतिहासिक क्रम बताना है तो 4-2-1-3 है, यानी चौथा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना सबसे इनमें पहले हुई थी, उसके बाद अग्रणी बैंक की योजना, उसके बाद आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद नाबार्ड। भारत में सुलभ मुद्रा बनती है, जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियों के योग से। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से वही आपको ऐतिहासिक क्रम बताना है तो 4-1-3-2, यानी चौथा ऐतिहासिक क्रम नहीं है, सॉरी, तरलता के आधार पर घटते हुए क्रम बताने हैं। सबसे ज़्यादा तरल होती है आपकी करेंसी, उसके बाद होता है बैंकों के पास जो मांग जमा है, उसके बाद होती है बैंकों के पास बचत जमा, उसके बाद होती है सबसे लास्ट में सबसे कम तरल बैंकों के पास जो सावधि जमा होता है, जो टाइम डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है तो बृहद मुद्रा या आरक्षित मुद्रा के रूप में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा या हॉट मुद्रा। बजट घाटे में के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा के सृजन का प्रभाव क्या होता है? सर्वाधिक स्फीति कारक कारी होने की संभावना यहाँ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है इसमें, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुए तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये अवध कॉमर्शियल बैंक था। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2000 में। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया गया था तो इरडा का, यानी इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण। इरडा क्या करती है? बीमा कंपनियों से संबंधित है। आरएन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से ही थी। इसमें ये देखिए आपका क्वेश्चन है, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियमन तथा पहली पंचवर्षीय योजना लागू करने में से सर्वप्रथम घटने वाली कौन सी घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, ये सबसे पहले हुआ था इसमें। एक्चुरीज शब्द का संबंध किससे है? तो बीमा से है एक्चुरीज का संबंध। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है आरबीआई द्वारा मुद्रा बाजार में साख नियमन के लिए।
रेपो दर को नियमित करता है तो आरबीआई करता है, विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है वो भी आरबीआई करता है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, तो रेपो दर कहा जाता है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है वो क्या बोला जाता है, तो रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है ये क्या है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, हाँ एकदम सही है आपका, ये बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक को उधार दिया जाता है उसी को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है, अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाया जाए बढ़ाएगा ये अगर ऐसा होता है तो। भारत में सहयोग निधियों का नियमन कौन करता है, तो सेबी। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1992 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी सेबी। भारतीय पूंजी बाजार घोटाले की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियां किसको सौंपी हैं, तो सेबी को ही है। सेबी पूरा कार्य करता है पूंजी, ये जो बाजार होते हैं आपके शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष कब कब से कब तक होता है, तो जुलाई से जून तक। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है, मुद्रा नीति के। आगे देखते हैं, चलिए चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने तथा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंकों से लिए गए ऋण के परिणाम स्वरूप ऐसा होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है, तो सिक्योरिटीज में व्यापार करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को। किसी बैंक और गैर बैंक के वित्तीय संस्थान यानी एनबीएफसी के बीच अंतर क्या है, तो बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का मुख्यतः बड़े उद्योगों यानी उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंधित होता है। यानी एनबीएफसी बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनको ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में एनबीएफसी के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये जमा नहीं लेते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है, कृषि लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्ग को ऋण देने से संबंधित है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के क्या उद्देश्य हैं, तो लोगों की बचत को एकत्र करना, आय अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना तथा धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो सके। नेक्स्ट है, भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन है न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन तथा साख स्वीकृतिकरण योजना आदि है इसके इसी के साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक नीति के घटक कौन कौन से हैं, तो बैंक दर, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुली बाजार कार्यवाही, सीमांत स्थायी सुविधा दर और परिवर्तनीय कोष अनुपात आदि ये किसके मौद्रिक नीति के घटक हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, जे टिनवर गिन ने किया था इसका अवधारणा का प्रतिपादन। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो जुलाई 1969 में किया गया था, ये आपको याद रखना है, बहुत रिपीट होता क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में क्या क्या शामिल है, तो ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की तथा वसीयतों के लिए जो निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना आदि इसके कार्य हैं। इसको देखिए, इसमें दोनों ही सही हैं कथन, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। देख, ये पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1969 में, 14 बैंकों का, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, और पहला है गोरवाल समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, तो
तो आप इसको भी कथन को याद रखिएगा, गोरवाल समिति के आधार पर ही हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना तथा वस्तुओं की राशनिंग में से मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है? तो ब्याज दर को कम करना ये मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। यहाँ पे ब्याज दर अधिक की जाती है, कम नहीं की जाती है, अधिक करके ही नियंत्रण किया जाता है मुद्रा स्फीति पे। भारत में मुद्रा स्फीति के संबंध में सही क्या है? तो घटा हुआ मुद्रा प्रचलन यानी मनी जो सर्कुलेशन होता है उससे तथा मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में सहायता करना, ये इसका देश है। नेक्स्ट, किसानों को साख ये दिया गया, इनमें से वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति क्या है? तो किसानों को साख ये इसकी परिसंपत्ति है। नेक्स्ट, कथन कारण दिया है, तो कथन इसमें सही है, कारण ये गलत है, इसको आप देख लीजिए। इनमें से पूछा है बैंकों के नाम दिए, भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में। भारत में भविष्य निधि क्या है? तो संविदा आधारित बचत है भविष्य निधि। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक दर कम कर देती हैं ब्याज की दर, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा पूंजी हो जाती है बैंकों के पास, तो बैंकें फिर ज़्यादा ऋण देने लगती हैं कम ही उस पे रेट पे, तो उससे तरलता बढ़ जाती है मार्केट में। इनमें से पूछा है बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। अगस्त 2018 में भारतीय रिजर्व बैंकों की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट कितना था? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये करंट में बदल चुका है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे है आरबीआई सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, तो ये सही नहीं है, सभी प्रकार के नहीं करता है। ये 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कितने किसके होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो 10,000 तक के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए, कितना? 115 करोड़ रुपये का। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, यह कहाँ अवस्थित था? तो ये पंजाब में झांग जगह है एक, वहाँ पर था। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है लंबी अवधि के लिए। ये इनमें से बैंकों के नाम दिए गए, इसमें दीर्घकालीन ऋण कौन देता है कृषि को? तो भूमि विकास बैंक देता है। भूमि विकास बैंक किसका भाग है? सहकारी साख संरचना का। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र क्या है? जनपद स्तर पर होता है केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र। सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। नेक्स्ट बात करते हैं, 1956 से और सॉरी 1995-96 का है, तो इसमें पूछा गया है अवस्थापना के लिए विकास कोष का हिसाब कौन रखता था? तो ये राष्ट्रीय विकास एवं कृषि विकास बैंक। भारत में ये निजी बैंक के बैंकों के नाम दिए, इनमें से पूछा है कि सर्वाधिक किसका वह संस्था जिसका महत्व सर्वाधिक कम हुआ है वो कौन सी है? पेंशन फंड्स का। वाणिज्यिक प्रपत्र साख का स्रोत क्या है? तो निगम उद्योगों के लिए, कॉरपोरेट उद्योग के लिए। लघु अवधि ऋण की अवधि क्या है? तो अधिकतम 15 माह हो सकती है लघु अवधि ऋण की अवधि। इनमें से पूछा है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, तो वो है आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। थोड़ा सा क्लियरिटी कम आई है इसमें, लेकिन अब बोल दे रहा हूँ मैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 में। अंतर्राष्ट्रीय नगदी जिसे लिक्विडिटी बोला जाता है की समस्या किससे संबंधित है? तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं यानी हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता, इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आगे है काली मुद्रा क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, उसे काली मुद्रा बोला जाता है। एडीआर जीडीआर तथा एसडीआर में से कृत्रिम मुद्रा कौन सी समझी जाती है? तो एसडीआर। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में सही कथन नहीं है,
तो बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता, ये सही नहीं है। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाले वाला वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है। समाचार पत्रों में आपको बेसल थर्ड समझौता दिखता होगा, तो ये किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करना तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास है। ये बेसल थर्ड बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से संबंधित समझौता है, इसे याद रखिएगा आप। बेसल टू भी बैंकों से ही संबंधित है। किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित है बेसल टू। नेक्स्ट है विनियमन शाख्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी कब हुआ? 1862 में, सॉरी 1882 में। भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं विदेशी बैंकों में से सबसे अधिक शाखाएं किसकी हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। इनमें से आपको ये मैच करना है, देख लीजिएगा, अब इसका इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ था कौन सा बैंक? बैंक ऑफ कराड। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारित होता है संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तथा संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारण होता है। इनमें से देश दिए गए और पूछा है कि मुद्रा जो रुपया है वो किस देश की करेंसी है? तो सेशेल्स की भी एक करेंसी है रुपया, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की है टका। और चीन की मुद्रा क्या है? वहीं युआन या रेमिनबी, चीन की मुद्रा है ये। रिंगगिट किसकी मुद्रा है? मलेशिया की। बहुत बहुत किसकी है? थाईलैंड की। रुपिया इंडोनेशिया की है और वान दक्षिण कोरिया की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें मैक्सिको की मुद्रा पैसो, ऑस्ट्रिया की शिलिंग जो वर्तमान में यूरो हो गई है, जापान की येन है, सऊदी अरब की रियाल है। भारत में ट्रेजरी बिल जो बेचे जाते हैं किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं? क्रिशिल, केयर और इकरा। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो कंपनी को क्रेडिट देती हैं, बहुत सारे जैसे A++, B, C, D तक क्रेडिट देती हैं, और जिसकी क्रेडिट ज़्यादा होती है उसको मार्केट से पैसा यानी उसे ऋण ज़्यादा मिलता है, उस पर विश्वास भी ज़्यादा होता है लोगों का। तो पूंजीगत लाभ से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने या उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है इससे। तो ये हमारे हो गए बैंक से संबंधित क्वेश्चन, बैंकिंग वाले पोर्शन से। तो आगे बात करेंगे हम सामाजिक विकास से, शुरुआत करेंगे। तो ये वीडियो आपका हो गया फोर्थ, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भी आप बता दीजिए जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। थैंक यू सो मच।